बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के साथ मंगलवार को एक खतरनाक हादसा हो गया था। जुहू स्थित उनके घर पर एक्टर से ही रिवॉल्वर से गलती से गोली चल गई और उनके पैर में गोली लग गई। इसके बाद तुरंत उन्हें क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। अब गोविंदा का हेल्थ अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स का कहना है कि गोविंदा की हेल्थ अब स्थिर है। मंगलवार को ही डॉक्टरों ने उनके बाएं घुटने के 2 इंच नीचे लगी गोली को निकाल दिया है। एक्टर का इलाज करने वाले डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि इस सर्जरी से उनके पैर पर 8 से 10 टांके आए हैं। उन्हें 24 से 48 घंटों में डिस्चार्ज किया जा सकता है। माना जा रहा है कि आज शाम तक गोविंदा को छुट्टी मिल सकती है। 1 अक्टूबर को जब गोविंदा के साथ ये हादसा हुआ तो उनसे मिलने अस्पताल में कई लोगों का तांता लग गया। ऐसे में उनके भांजे की पत्नी कश्मीरा शाह भी अस्पताल पहुंची, मगर कृष्णा अभिषेक नहीं दिखे तो सब पूछने लगे कि आखिर वो अपने मामा को ऐसी हालत में देखने क्यों नहीं आए। तो बता दे कि शूटिंग के सिलसिले में कृष्णा ऑस्ट्रेलिया में है। वो इन दिनों कपिल शर्मा शो में नजर आ रहे हैं। अब उनका रिएक्शन सामने आ गया है। कृष्णा अभिषेक ने इंस्टाग्राम पर गोविंदा की हेल्थ को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, मामा अब ठीक है, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया। ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। भगवान बहुत दयालु है, सब जल्दी ठीक होगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।